हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये मिटन्स। आप चाहें तो ये बो के साथ बना सकते हैं, आप चाहें तो ये पम पम लगा के डोरी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने थर्टी स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। आप कोई भी सिलाइयाँ ले सकते हैं स्ट्रेट वाली, मैंने 5 mm ली हैं, पर अगर आपके पास 5 mm नहीं है तो आप कोई भी सिलाई यूज़ कर सकते हैं निडल, एंड बस एक पेयर बना के चेक कर लीजिएगा कि आपको साइज़ क्या मिल रही है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि थिक हो सिलाइयाँ तो डिफरेंट साइज़ मिलता है, थिन हो तो डिफरेंट साइज़ मिलता है। सबसे पहले हमने 30 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। तीस घर हमने सिलाई पे डाल लेने हैं। कास्ट ऑन की वीडियो और जितनी भी टेक्निक्स इसमें यूज़ होंगी, स्लिप नेट, निट टू टुगेदर, गार्टर स्टिच, 2x2 रिप, वो सारी जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पे हमने 30 घर सिलाई पे डाल लिए हैं, 30 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। रो नंबर 1 पहली सिलाई हमारी, यहाँ पे हमने ये बॉर्डर शुरू करना है, 2x2 रिब वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर। रो नंबर 1 निट 2, 2 घर सीधे बुनेंगे, 2 घर उल्टे, जिस तरह हम 2x2 रिब बॉर्डर में बुनते हैं, 2 घर सीधे, 2 घर उल्टे। इसी तरह हमने पूरी सिलाई बुन लेनी है, 2 सीधे 2 उल्टे करके। दूसरी सिलाई हमारी, पहली सिलाई हमने बुन ली, रो 2 हमारी, हम देखेंगे जहाँ पे हमें उल्टे घर मिले हुए हैं वहाँ उल्टा बुनेंगे, जहाँ सीधे मिले हुए हैं सीधा बुनेंगे, जैसे हम 2x2 रिप में करते हैं। अब हमने ये 2 सीधे घर हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे, निट 2, फिर पर्ल 2, फिर निट 2। दो सिलाइयां हमने यहाँ पे बुन ली हैं 2x2 रिप वाले बॉर्डर की। अब इसी तरह हमने 2 सीधे 2 उल्टे करके 8 और सिलाइयाँ बुन लेनी हैं। टोटल जो है हमारी 10 सिलाइयाँ होंगी इस बॉर्डर की। यहाँ पे हमने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं 2x2 रिप की, 2 सीधे 2 उल्टे करके बॉर्डर बना लिया है। अब हमने ये वाला पार्ट शुरू करना है, गार्टर स्टिच वाला। 11वीं सिलाई हमारी, रो 11, हम 14 घर सीधे बुन लेंगे, निट 14 स्टिचेस, उसके बाद निट 2 टुगेदर एंड देन फिर से 14 स्टिचेस, 14 घर सीधे बुन लेंगे। हम गिन लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 घर हमने सीधे बुन लिए, 14 स्टिचेस। अब निट 2 टुगेदर, 2 का 1 करेंगे और फिर से हमने 14 घर बुन लेने हैं सीधे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
14 स्टिचेस हमने आखिर में बुन लिए, 14 बुने, एक घटाया, फिर 14 बुने, यहाँ पे दो। अब हमारे पास पहले 30 स्टिचेस थे, अब 29। अब जो हमारी ये 11वीं सिलाई थी, अब 14 और सिलाइयाँ हमने गार्टर स्टिच में ही बुननी है। गार्टर स्टिच आपको पता है कि दोनों साइड से ये सीधा ही होती, सीधे घर हमें सीधी सिलाइयाँ बुननी होती है, सारे घर और सारी सिलाइयाँ हमारी सीधी होंगी। गार्टर स्टिच में हमने और 11वीं सिलाई को छोड़ के और 14 सिलाइयाँ गार्टर स्टिच में बुननी है, मतलब टोटल 15 रोज हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे हमने 14 सिलाइयाँ बुन ली हैं हमारी गार्टर स्टिच में, ये हमारी 11वीं सिलाई थी, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब हमारा ये शेपिंग वाला पार्ट है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे शेप देने के लिए, और यहाँ से हम काउंट करेंगे रो 1, जो कि हमारी डिक्रीजिंग की, घर फंदे घटाने की पहली रो होगी। रो 1 पहली सिलाई जहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, फंदे घटा रहे हैं, स्लिप, स्लिप, निट। अब हमने 10 घर 10 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 10 स्टिचेस। दो, चार, छ, आठ, 10। स्लिप स्लिप निट किया, 10 घर बुने, 2, 4, 6, 8, 10। अब निट 2 टुगेदर। अब बीच में एक घर सीधा बुन लेना है, फिर यहाँ पे स्लिप स्लिप निट कर रहे हैं। स्लिप स्लिप निट इसलिए ताकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ जाए, और निट टू टुगेदर इसलिए ताकि डायरेक्शन इस तरफ जाए। अब 10 घर हमने फिर से बुन लेने हैं, स्लिप स्लिप निट करने के बाद। और 2 घर 7 बुन लेने हैं, निट टू टुगेदर। हमारी जो दूसरी सिलाई है वो हम सारी सीधी सीधी बुन लेंगे, निट ऑल। थर्ड रो तीसरी सिलाई हमारी, जो कि डिक्रीजिंग रो है, स्लिप स्लिप निट। अब हमने बीच में 8 घर बुन लेने हैं सीधे सीधे, निट 8 स्टिचेस। 8 घर हम सीधे बुन लेंगे। हम गिन लेते हैं, 2, 4, 6, 8, ये स्लिप स्लिप निट था, 2, 4, 6, 8। अब हमने निट 2 टुगेदर करना, यहाँ पे ये वाला घर हम सीधा बुन लेंगे, और फिर से स्लिप स्लिप निट, स्लिप स्लिप निट। अब 8 घर हम सीधे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब निट 2 टुगेदर। अब जो हमारी फोर्थ रो है, चौथी सिलाई, वो सीधी सीधी बुन लेंगे। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई हमारी, ये डिक्रीजिंग रो है, यहाँ पे फंदे घटाएंगे, स्लिप स्लिप निट। अब हमने 6 घर बीच में बुन लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये स्लिप स्लिप निट किया, 2, 4, 6 घर बुने, अब निट 2 टुगेदर।
अब बीच में ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है, निट वन। अब फिर से हम स्लिप स्लिप निट करेंगे, स्लिप स्लिप निट, ऐसे स्केच जिसे कहते हैं। अब फिर से छह घर बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब निट टू टुगेदर। रो सिक्स हमारी, छठी सिलाई हमारी, सारे घर सीधे बुन लेंगे। सेवेंथ रो हमारी, सातवीं सिलाई, फिर से हम फंदे घटाएंगे, डिक्रीजिंग रो, स्लिप स्लिप निट। अब हम चार घर सीधे बुन लेंगे, निट फोर, एक दो तीन चार। अब निट टू टुगेदर, दो का एक करेंगे। अब ये वाला घर जो है हमने सीधा बुन लेना है। अब फिर से हम स्लिप स्लिप निट करेंगे, स्लिप स्लिप निट, और फिर से चार घर सीधे बुन लेंगे, निट फोर, वन टू थ्री फोर। अब निट टू टुगेदर, दो का एक। हमारी जो आठवीं सिलाई है वो सारी हमने सीधी सीधी बुन लेनी है। नाइन्थ रो हमारी, ये फिर से हम डिक्रीजिंग रो है, फंदे घटाएंगे हम यहाँ पे, नेट नेट और सॉरी स्लिप स्लिप नेट। अब दो घर हमने बीच में बुन लेने हैं, नेट टू टुगेदर, नेट वन, स्लिप स्लिप नेट, नेट टू टुगेदर, दो का एक। अब जो हमारी दसवीं सिलाई है वो हम सीधी बुन लेंगे, अब हमने बाइंड ऑफ कर देना है। ग्यारहवीं सिलाई हमारी बाइंड ऑफ कर देंगे, नेट नेट बाइंड ऑफ कर देते, सिंपल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं घरों को बंद कर देते हैं वैसे। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हो। बिगनर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाती है डिटेल वीडियोस से, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी आपको प्रोजेक्ट सिखाऊँ उसमें मैं दे दूँ टेक्निक्स की जो है वीडियोस भी। अब आपने नॉट लगा देना है, बंद कर देना है। फिक्स करने के बाद आप काफी काफी धागा डाले काट लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हमने ये साइड सी लेनी है। आप सिलाई ले लेंगे टेपेस्ट्री निडल, थोड़ा सा खींच लें बेशक, क्योंकि पहले ये अंदर होता है, उसके बाद आप जब खींचते हैं तो इनका शेप आता है। अब आपने क्या करना है, ये राइट साइड है आपकी, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं जिस तरह हम राइट साइड से बंद करते हैं, और इस साइड से भी आप बंद कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सीना चाहते हैं साइड, जिस तरह आपको आसान लगे
कोई रूल नहीं है इसमें कि आपने, अब ये है हमारी बाइंड ऑफ की रूप, इसके साथ जो आपको वी शेप मिल रहा है वहाँ से आप एक घर यहाँ से लेंगे और एक घर यहाँ से लेंगे और बंद कर देंगे, जिस तरह मैंने सिखाया हुआ है मेरी सीमिंग गार्टर की वीडियो में और स्टॉकनेट स्टिच की वीडियो में कि आप साइड्स और ऊपर से कैसे बंद कर सकते हैं। एक यहाँ से लेंगे और एक वी शेप, एक स्टिच जो होता है यहाँ से लेंगे। आप अगर उल्टा करके भी सीना चाहें तो वो आप सी सकते हैं, जस्ट हमने साइड्स मिलानी है, कोई रूल नहीं है, क्योंकि अक्सर यहीं पे घबराहट होती है कि भाई अब मिटन्स की साइड मिलानी है तो कोई स्पेशल टेक्निक होगी, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। खींच लें आप मिलाने के बाद, ठीक है। अब खींच लेने के बाद सही तरह से धागा आपने अंदर बंद कर देना है, बैक साइड, बैक साइड धागा लेकर आएंगे और यहाँ से फिक्स करते हुए इस तरफ ले आएंगे। और अब हमने जिस तरह मैंने सीमिंग गार्टर स्टिच की वीडियो आपको बताई है, उसी तरह से गार्टर स्टिच को मिला के यहाँ बंद कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये गार्टर स्टिच की लाइंस हैं, ये सारी गार्टर स्टिच की लाइन है। अब इसी तरह हम इसकी साइड्स बंद कर देंगे, एक घर आप इधर से लेंगे, ये गार्टर स्टिच की लाइन में जो बिल्कुल एंड में है, और एक घर आप इधर से लेंगे। ले लिया आपने इधर से, अब जो दूसरी रो हमारी आ रही है गार्टर स्टिच की, अब उसका आखिरी घर, फिर यहाँ से आखिरी घर, फिर यहाँ से, ये कैप की तरह होता है, अगर आप को प्रॉब्लम हो समझने में तो सीमिंग गार्टर स्टिच की वीडियो भी मैं दे दूँगी, आप उसमें भी देख लीजिएगा कि किस तरह साइड्स मिलानी होती हैं। बट अगर आप टेक्निक्स फॉलो नहीं कर सकते, बहुत ही बिगनर्स हैं, आप नया सीख रहे हैं, तो आप जिस तरह आपको समझ आए फिलहाल बंद कर सकते हैं। ये गार्टर स्टिच वाला अब यहाँ पे सीमिंग इसलिए हम करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंदर से ये नीट है बिल्कुल, और छोटे बच्चे के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं ताकि उसे साइड्स ना लगें जो कि उभरी हुई होती हैं थोड़ी सी, तो जहाँ से आप नीट कर सकते हैं वहाँ से हम नीट कर देते हैं। इसी तरह हम सारी साइड बंद कर देंगे। गार्टर स्टिच की सारी जो है लाइंस मिला देने के बाद आप देख सकते हैं हमने ये सारी गार्टर स्टिच की लाइंस मिला दी हैं। अब आपने ये जो बॉर्डर है हमारा वो मिलाना है। आपको ये पता है कि हमने 8 सिलाइयाँ बुनी थी, 10 सिलाइयाँ बुनी थी यहाँ से और यहाँ से, तो आपने एक घर यहाँ से लेना है और एक आखिरी घर यहाँ से लेना है, और इसी तरह सारा मिला देना है आपने। यहाँ से सारा सी देने के बाद हमने इसे थोड़ा सा खींच के शेप दे देना है, और अब यहाँ पे आप नॉट लगा दें और अंदर वेव इन कर दें। वेव इन हम बैक साइड से करेंगे, वेव इन की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में होगी, पर आप सिंपल यहाँ पे वेव इन कर सकते हैं जिस तरह आपको आता है, कोई रूल नहीं है इसमें, आपको जिस तरह इजी लगे आप कर सकते हैं। अब ये हमारी मिटन्स रेडी हो गए, आप चाहें तो इस पे बो लगा सकते हैं, और छोटे बच्चे के हाथ आपको पता है बहुत सॉफ्ट भी होते हैं तो ये उतर सकते हैं, तो आप चाहें तो ये टसल बना के भी इस पे लगा सकते हैं छोटे से पोम पोम, और इस डोरी की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पहले डोरी डाल के फिर पोम पोम सी दीजिएगा। और अगर आप बो लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बो लगा सकते हैं, बट एक धागा सा सिर्फ आप चाहें तो टाई कर लीजिएगा पीछे से टेपेस्ट्री नीडल से, सुई से डाल के। तो बहुत सारे तरीके होते हैं
तरीका यही होगा बनाने का, बट फिर आप जिस तरह चाहें इस पे आप टसल लगा सकते हैं, बो लगा सकते हैं, पम-पम लगा सकते हैं। और ये आपके मिटन हो गए रेडी। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कोई भी टेक्निक और पैटर्न सीखना हो आपने तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा दूँ जो भी आप सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।